वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी इस वीडियो दे विच भाई भिखारी जी की साखी की आप जी दे नाल सांझ पावांगे। सारे नूं बेनती है कि चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो जी। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे दरबार विच एक बार किसी सिख ने कह दिता कि गुरु जी कोई इस तरह का बंदा है जिस नूं सुख भी कबूल होवे ते दुख भी कबूल होवे, इज्जत भी कबूल होवे ते बेइज्जती भी कबूल होवे, खुशियां भी कबूल होन ते गमियां भी कबूल होन, जो हर अवस्था विच इक्को जिहा होवे। ओह सिख गुरु अर्जन देव जी नूं कहन लगा, गल्लां तां जरूर सुनियां ने पर इहो जिहा होना बहुत कठिन है, मैनूं नहीं लगदा कोई इहो जिहा होवेगा। गुरु अर्जन देव जी कहन लगे, असीं अपने एक सिख पास भेजदे हाँ, उस सिख दा नाम भाई भिखारी है, वह ऐसी ही अवस्था दे मालक हन, तुसी उहनां कोल जाओ ते एक रात उहनां कोल रह के आओ। सिख भाई भिखारी जी दे पिंड पहुंचिया तां पता लगा कि भाई जी दुकान ते हन। सिख सिद्धा भाई साहब दी दुकान ते चला गया। भाई भिखारी जी घिओ वेचिया करदे सन। जदों सिख उहनां दी दुकान ते पहुंचिया तां भाई साहब एक ग्राहक नाल बहस कर रहे सन। ग्राहक घिओ दा एक पैसा घट दे के कह रहा सी कि एक पैसा मैं बाद विच दे देवांगा, पर भाई साहब कह रहे सन कि असी उधार नहीं देंदे। उस ग्राहक ने बड़ा कहा कि मैं तुहानू छेती ही पैसा दे देवांगा, मैनू घिओ दी जरूरत है, पर भाई साहब ने घिओ उधार ना दिता। यह वेख के सिख थोड़ा निराश हो गया ते सोचन लगा कि भाई भिखारी तां लालची लगदे हन। थोड़ा मन विच निराश होया पर गुरु साहब ने कहा सी कि एक रात कट के आउनी है, इसलिए उसने भाई साहब नूं दस्या कि मैनू गुरु साहब ने भेजिया है। भाई भिखारी जी बड़े खुश होए अते सिख नूं अपने घर लै गए। भाई भिखारी जी दे घर बहुत रौनक सी, मिठाइयां तैयार हो रही सन, कपड़े तैयार हो रहे सन। सिख दे पुछण ते पता लगा कि भाई भिखारी जी दे पुत्तर दा व्याह है। भाई भिखारी ने सिख दा बड़ा सत्कार कीता ते रात नूं जद प्रशादा छकन लगे तां सिख ने भाई साहब नूं परखण लई कहा कि असी तां हथ घिओ नाल धोंदे हाँ। भाई भिखारी ने घिओ दा पीपा लिया के हथ धोआ दिते। सिख ने हैरान हो के पुछया कि दुकान ते तां तुसी एक पैसे पिछे ग्राहक नाल लड़ रहे सी, हुण तुसी किन्ने सारे घिओ नाल मेरे हथ धोआ दिते। भाई भिखारी जी कहन लगे कि ओह मेरी किरत सी, इह मेरी सेवा है, किरत विच मेरा नियम है कि मैं एक पैसे का भी उधार नहीं करता, मैं अपनी किरत विच भी पूरा उतरन का यतन करता हाँ ते सेवा विच भी पूरा उतरन का यतन करता हाँ। यह सुन के सिख दे मन विचों भाई भिखारी जी दे प्रति जो गुस्सा पैदा होया सी वो खत्म हो गया। रात नूं भाई भिखारी ने सिख नूं सौण लई एक कमरा दिता तां सिख नूं इह वेख के बड़ी हैरानी होई कि उस कमरे विच एक पासे ओह फट्टा पिया सी जिस उत्ते मुरदियां नूं लै के जांदे ने। फट्टे उत्ते नवां कपड़ा विछा के पूरी तरह तैयार कीता होया सी। सिख नूं इह सोच के नींद नहीं सी आ रही कि एक पासे घर विचों बरात जानी है अते दूजे पासे घर विच मुरदे नूं लै के जाण वाला फट्टा सजाया होया पिया है। जद नींद ना आई तां उसने अद्धी रात भाई भिखारी जी नूं बुलाया अते इस दा कारण पुछया। भाई भिखारी जी कहन लगे कि सुख दुख दोवें जुड़े हुए हन, जदों घर विच डोली आउणी है तां मेरे पुत्तर ने चढ़ाई कर जाना है, उस वक्त फट्टा तैयार करन दी भाजड़ पवेगी, इसलिए मैं पहला ही फट्टा तैयार कर लिया है। यह सुन के सिख भाई भिखारी जी दे चरणा ते डिग पिया ते कहन लगा, भाई भिखारी जी तुसी धन हो जो हर तरह की अवस्था विच एक ही हो। इस दे नाल ओ सिख कहन लगा कि भाई भिखारी जी मेरे मन विच एक शंका भी आ गया है, कृपा करके वह भी दूर कर देवो, जे तुहाडे पुत्तर ने चढ़ाई ही कर जाना है तां फिर इस दा विआह करन दी की लोड़, किसे धी नूं विधवा करन दी की जरूरत है। भाई भिखारी जी कहन लगे कि उस अकाल पुरख दी दित्ती हुई दृष्टि नाल अकाल पुरख ने मैनूं यही समझ पाई है कि इस धी ने विधवा दा जीवन ही गुजारना है, इसलिए अकाल पुरख की मर्जी के विरुद्ध जाना मेरे वस का ही नहीं।
जो उस परमात्मा ने करना है उही ही होना है। मैनू अकाल पुरख ने ज्ञान दिता है कि मेरे पुत्र ने चढ़ाई कर जाना है ते इस लड़की ने विधवा की जिंदगी गुजारनी है, पर इस नू बदलना मेरे वस नहीं है। सो इस तरह उस सिख का शंका दूर होया कि सचमुच ही अजिहे गुरु के प्यारे हुंदे हन जो हर स्थिति हर अवस्था विच एक रहिंदे हन। जिवें कि गुरबाणी फुरमान करती है, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह और भय नहीं जानकै, कंचन माटी मानै। सो इस साखी भाई भिखारी जी दी जो आप जी दे नाल इस वीडियो दे विच असीं सांझी कीती है। सो सारिआं नूं बेनती है कि चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो अते इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।